रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन दरअसल कोरोना पेशेंट के लिए एक रामबाण का काम कर रहा है, और जो सांसें जो रुक रही हैं उन रुकती सांसों को थामने का काम करता है। जहां हर कोरोना पेशेंट के लिए एक तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरी हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ घटिया, कुछ बेशर्म लोग इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। राजस्थान में तमाम प्रयासों के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी नहीं रुक रही है। उदयपुर पुलिस ने अभी एक दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, और उन्हीं से क्लू आगे मिलते हुए 5 लोगों को उदयपुर पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस के पास में एक और अभी जो ये मामला आया है वो ऐसा ही मामला आया है, और हद ये है इस मामले में कि ये एक कदम आगे है। 2800 रुपए का इंजेक्शन 41,000 से 45,000 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब मजबूरों की मजबूरी का फ़ायदा पूरी तरीके से ये बेशरम और ये घटिया लोग उठा रहे थे। ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों से 5 युवकों को गिरफ्तार किया, तो इसका खुलासा हुआ। ये कार्रवाई गुरुवार को देर रात को हुई। पुलिस ने युवकों के पास से 30 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किए। उदयपुर पुलिस की स्पेशल यूनिट को गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, और बताया गया कि चित्तौड़ निवासी सुभाष उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से पुलिस टीम ने सुभाष से संपर्क किया। इस दौरान सुभाष ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की बात कबूल की। 3 इंजेक्शन का सौदा तय किया गया। इस सौदे में सुभाष ने प्रति इंजेक्शन की कीमत 45,000 रुपये बताई। इसके बाद पुलिस ने सुभाष को 3 इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। दूसरी कार्रवाई में उदयपुर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये युवक 2800 रुपये की कीमत का इंजेक्शन ज़रूरतमंद लोगों को 41,000 रुपये में बेच रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने सवीना थाना क्षेत्र के शुभम कलाल, हिरणमगरी सेक्टर 11 के आर्यन जैन और सवीना निवासी भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। उधर बुधवार को रात को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर अबीर अहमद, जो कि सवीना का रहने वाला है, और उसका साथी चिराग कलाल को भी पुलिस ने पकड़ लिया, और उनसे आगे की जांच की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि चिराग मूल रूप से सराड़ा इलाका का रहने वाला है। वो उदयपुर में रेडियोग्राफर पद पर निजी अस्पताल में कार्यरत था। ऐसे में पुलिस जब चिराग से पूछताछ कर कालाबाजारी में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में ऐसे कई लोग सामने आएंगे जिनको देख के या जिनके बारे में जान के हमको आश्चर्य होगा। पुलिस से और बाकी मीडिया से ये आग्रह है कि ऐसे लोगों के या उनके संस्थानों के नाम छुपाने के बजाय उजागर करने चाहिए, और उनके फोटो तक उजागर करने चाहिए, ताकि पता चले कि ये शहर के ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। जहां लोग तिल तिल करके सांसों को तरस रहे हैं, वहां ये उन सांसों का सौदा कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों की माफी कहीं नहीं है। न कानून के रूप से इनकी माफी होनी चाहिए, न सामाजिक रूप से इनकी माफी होनी चाहिए। इस सारे मामले में जो उदयपुर पुलिस का जो काम है वो बड़ा सराहनीय है। इस कार्रवाई के अंदर जो शामिल हैं वो उदयपुर पुलिस के एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में इस डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसकी अगुवाई स्पेशल पुलिस के हनुमान सिंह
कर रहे थे। और इस कार्रवाई में स्पेशल पुलिस टीम के इतवारी लाल, सुखदेव सिंह, अनिल पूनिया, उपेंद्र सिंह, तपेंद्र भादु, मनमोहन सिंह, रविंद्र बुडावर, राम निवास और फिरोज खान शामिल थे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।